किया था, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए आप क्लास में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, बोलिए। हेलो, इफ यू हैव सम डाउट रिगार्डिंग रिगार्डिंग द एग्जाम क्वेश्चन पेपर इन एनी टॉपिक देन यू कैन आस्क। हेलो हेलो बच्चों, सर किसी बच्चे ने पूछा था सेरिब्रोसाइट क्या है, किसने पूछा था? हेलो, कोई बात नहीं तो दे देना, आ जाओ ले लो यार। सर हेलो, पूछेंगे क्या? नहीं, बायोमोलिक्यूल एग्जाम में मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है आपको, क्वेश्चंस नहीं है बायोमोलिक्यूल से, हटा दिया। ओके, हेलो, यस तो कुछ और पूछना है आपको, कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, बोलिए प्लीज फास्ट। नहीं, नहीं सर, अभी तो नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं हम आगे, है ना, चलें। यस सर। ओके फाइन, आई देखें। मैंने आपसे नेफ्रॉन की बात की थी, है ना? ओके, यस बच्चों तो चलें नेफ्रॉन पे स्टार्ट करें। सर। ओके, आइए जरा देखें। तो हम बात करेंगे आपसे बोमेंस कैप्सूल की, ठीक है? मैंने आपको पार्ट बताया था ना कि इसे किस किस में डिवाइड किया है, रीनल ट्यूब्यूल में और मालपिजन बॉडी, ये हो गया सर था एक बार बता कि नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। एक बार क्या? क्या बेटा? सर आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में जिन्हें नहीं समझ आया ना मैं बता दूंगा एक बार, तो एक और बार आप बता दीजिए। अच्छा, एक और बार मैं बता दूंगा। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, डोंट वरी। तो हम बात कर रहे थे आपसे नेफ्रॉन की, आइए देखें। तो नेफ्रॉन को हमने कैसे डिवाइड किया है? दो पार्ट में, मैल्पिजियन कॉर्पसल एंड रीनल टिब्यूल। यस, है ना? तो इसको हमने डिवाइड किया आप मालपीजियन कॉर्पसल और मालपीजियन बॉडी। एंड बी पार्ट जो है दैट इज द रीनल टिब्यूल रीनल टिब्यू। तो इतना जो पार्ट है, दिस पार्ट इज वी कंसिडर्ड एज अ मालपीजियन कॉर्पस और मालपीजियन बॉडी। बाकी जो ट्यूब वाला पार्ट है, यानी पीसीटी, दिस इज लूप ऑफ फेनले, दिस इज द लूप ऑफ फेनले एंड दिस इज द डीसीटी। तो इतना जो पार्ट है दैट वी कंसिडर्ड इन, किसके अंदर रखा है हमने इसे? टिब्यूल रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, है ना? सो आइए देखें। मालपीजियन कॉप्सल, इसके अंदर क्या आता है? ग्लोमेरुलस एंड वोमेंस कैप्सूल।
वोमेंस कैप्सूल, ठीक है। एंड नियर रीनल ट्यूब्यूल के अंदर हम रखेंगे पीसीटी, एलओएच एंड डीसीटी, फाइन। यस तो क्या हम चलें बेटा? यस ठीक है, हम बात करते हैं आपसे, हेडिंग डाल रहे हैं मालपीजन बॉडी की। मालपीजन बॉडी, इसमें देखेंगे इसके अंदर रोमन में लिखें, इसको नंबरिंग सही से करें आप, इसको रोमन में लिख लेते हैं। ओके, सो दिस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपसे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस है ना, ठीक। यस सर। ओके, तो व्हाट इज द ग्लोमुलस, क्या है ये? अच्छा, एक नेफ्रॉन की थोड़ा लेंथ लिख लीजिए, इसकी लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं नेफ्रॉन, है ना, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेफ्रॉन की लेंथ बता रहा हूं मैं, 3 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग। ओके, कौन वाले, कॉर्टिकल वाले या फिर जक्स्टा नहीं, मेडुलरी? हम देखिए कॉर्टिकल अलग केस होता है, हम नॉर्मल जक्स्टा मैडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करते हैं, ठीक है ना। यस सर। उनके अभी मैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन नहीं बताया आपको, है ना, अभी मैं सिर्फ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, देन हम बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, सो डोंट थिंक अबाउट कि कॉर्टिकल, आप अपना दिमाग उसमें मत लगाए, ये सिर्फ एक टिपिकल नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, एक टिपिकल नेफ्रॉन, क्लियर। यस सर। ओके, आइए जरा देखें, तो व्हाट इज द ग्लोमुलस, क्या है? इट इज अ ट्रॉप्ट ऑफ कैपलरीज, क्या है ग्लोमुलस? इट इज ट्रॉप्ट ऑफ कैपलरीज, है ना। तो कैपलरीज का क्या है, ये गुच्छा है, ठीक है। यस सर। दिस कैपिलरी नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनास्टमोसिन प्लेक्सस ऑफ वेसल्स। एनास्टामोसिंग मतलब समझते हो, ये टर्म का मतलब समझते हो आप? ऐसा स्पेलिंग से लिखें नो सर। सर। सर इसके बाद क्या लिखा है पी से? यस कहां पे बेटा? प्लेक्सस, के बाद क्या लिखा है? प्लेक्सस, मैं दोबारा से लिखता हूं, एनास्टामोसिंग प्लेक्सस। हाँ, ओके, प्लेक्सस मतलब क्या होता है, और कहीं पर भी ये टर्म अगर यूज हो, है ना, प्लेक्सस, तो आप क्या कहोगे, क्या होता है प्लेक्सस? कभी आपने सिर्फ पहले भी सुना होगा, नर्वस सिस्टम में सुना होगा, क्या मतलब है? हाँ, जस्ट आइडिया लगाओ, क्या मतलब है? सर काफी सारी कैपिलरीज एक साथ होती है तो ओके, प्लेक्सस का मतलब सिंपल होता है क्या? सर ग्रुप ऑफ वेसल्स। है ना, बिल्कुल। तो प्लेक्सस का मतलब है गुच्छा, काइंड ऑफ गुच्छा, इट्स कॉल्ड प्लेक्सस।
एनास्टामोसिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई कैपिलरी इस तरह से आई और इस तरह से डिवाइड हुई और वापस क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई। इस तरीके के उसको क्या कहेंगे? एनास्टामोसिंग। समझे? ब्रांचिंग हुई अच्छा एंड वापस ब्रांचिंग क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई। नहीं समझे आप? हेलो, समझ। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज का जो है ये क्या है? अ कॉम्प्लेक्स एनास्टामोसिंग प्लेक्सस ऑफ द वेसल्स। क्लियर? एनएसएम एक बार फिर से बता। एनास्टामोसिंग यानी कोई ऐसे कैपिलरीज जो है कैसे हुई? लाइक हमारी बॉडी पे हर जगह एनास्टामोसिंग होता है, ऑर्गन्स पे जब भी आता है आर्टरीज क्या होगी? कैपिलरीज में डिवाइड होगी, वापस कैपिलरीज कन्वर्ज होकर क्या बनाती हैं? वेन बनाती हैं। तो दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होता है कि ब्रांच हुआ देन वापस कन्वर्ज हो गया, तो इसे बोलते हैं एनास्टामोसिंग। हेलो, ओके सर। यस समझे मेरी बात? क्लियर? सर। ओके, सो इतनी बात में आपको कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कि जो ब्लड एंटर करेगा ग्लोमुलस के अंदर वो कहां से आएगा? फ्रॉम द एफरेंट, एफरेंट आर्टरियोल। है ना? द ब्लड फ्रॉम एफरेंट आर्टरियोल एंटर्स इन ग्लोमुलस। ओके ओके यस एंड लीव्स इफ्रंट आर्टरियोल। थ्रू एन इफ्रेंट आर्टरियोल। अब आप यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख रहे होंगे कि जो एफरेंट आर्टरियोल, देखिए एफरेंट है आ रहा है और इफ्रेंट जा रहा है, तो एफरेंट का ल्यूमन कैसा है? ल्यूमन ऑफ फ्रंट वाले का सर थोड़ा ब्रॉड है ब्रॉड है ना, वाइड है। क्यों है ऐसा? क्यों है? ताकि एक ब्लड प्रेशर बन पाए और चीजें ग्लोमेरुलस से बोमस कैप्सूल करना जा पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। ल्यूमन ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल इज वाइडर देन। देखिए ये जो गुच्छा है कैपिलरीज का, ध्यान रखिए कोई स्पेशल गुच्छा है ये नॉर्मल गुच्छा नहीं है, ये नॉर्मल प्लेक्सस नहीं है जो बाकी बॉडी पार्ट्स पे होता है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर फिल्टर होना है, फिल्ट्रेशन। और आपको मालूम है कि अगर यहाँ पर अगर आपने प्रेशर जनरेट नहीं किया, एक सर्टेन प्रेशर जनरेट नहीं किया, तो ये फिल्टर नहीं होगा, ब्लड यहाँ पे फिल्टर नहीं होगा। तो वी हैव टू जनरेट अ प्रेशर। इस कारण से हमने क्या किया? और प्रेशर कब जनरेट होगा? जब ब्लड ज्यादा आएगा और निकल नहीं पाएगा। नहीं समझे मेरी बात? जब ब्लड ज्यादा आएगा निकल नहीं पाएगा, दिस विल जनरेट द प्रेशर। ये क्या जनरेट करेगा? प्रेशर। समझे मेरी बात? यस ठीक, अब सुनिए मेरी बात। यहाँ की जो कैपलरीज हैं, यहाँ की देखिए हर जगह कैपलरीज में आप देखेंगे क्या होता है? फेनेस्ट्रा होता है। फेनेस्ट्रा का मतलब छेद होते हैं कैपलरीज के बीच में, है ना? जो कैपलरीज होती है, ऐसे ब्लड कैपलरीज की सेल्स हैं, ये ब्लड कैपलरीज की सेल्स हैं, तो इनके बीच बीच में आपको क्या मिलेंगे? ऐसे पोर्स मिलेंगे। आई बात समझ? उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? फेनेस्ट्रा। क्या कहते हैं? फेनेस्ट्रा। समझे मेरी बात? उन पोर्स को हम क्या कह रहे हैं? फेनेस्ट्रा। तो बाकी सब जगह कैपिलरीज में आपको फेनेस्ट्रा मिलेंगे, लेकिन यहाँ की जो कैपिलरीज हैं, दे आर 100 to 500 times मोर फेनेस्टेड देन द कैपिलरी ऑफ एनी अदर ऑर्गन। ठीक है, तो लिखें कैपिलरीज ऑफ ऑफ ग्लोमुलस आर 100 to 500 times मोर फेनेस्टेड देन द कैपिलरीज ऑफ एनी अदर ऑर्गन।
ओके, एंड दिस हेल्प्स इन, एंड दिस हेल्प इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एंड दिस हेल्प्स इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। स्टेट मतलब कि जो बीच के दो दो सेल्स के बीच का स्पेस बढ़ जाता है यहाँ पे। छेद, हाँ छेद है, छेद है, छेद ज्यादा है हर सेल में, हर जगह बहुत ज्यादा छेद है। लाइक एक कैपिलरी है, एक कैपिलरी है, तो कुछ में तो ऐसे नॉर्मल कैपिलरी में ऐसे छेद है, लेकिन यहाँ पे कैपिलरी ऐसी ऐसी है, नहीं समझे? समझ गया सर। तो यहाँ की जो कैपिलरीज है, इट इज मोर फाइन स्टेट देन द कैपिलरी ऑफ एनी अदर ऑर्गन। फाइन, यस सर। कोई दिक्कत है आपको यहाँ? सर सर बोलिए। ज्यादा स्ट्रेट होने से ज्यादा अच्छा फिल्ट्रेशन कर लेगी। अब भाई बाहर निकलना है तो जस्ट बात फेनेस्टा ज्यादा होंगे, इसीलिए तो प्रॉपर फ्लूड बाहर निकल पाएगा। सर लेकिन फिल्ट्रेशन कैसे होगी फिर, फ्लूइड तो सारा बाहर ही निकल जाएगा उससे अगर ज्यादा वो। अब ऐसे इसका फेनेस्टेट ज्यादा है, इसका मतलब मैंने तो ऐसा तो नहीं कहा कि पूरी पूरी रपच्चर है, पूरी बेकार है, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। कम से कम परमिबिलिटी थोड़ा सा तो ज्यादा होगी ना, इतना सारे अमाउंट में फ्लूड बाहर आता है तो दूसरे जो ऑर्गन्स में जो कैपिलरीज होती है उसके कंपेरिजन में ज्यादा परमिबिलिटी ज्यादा तो होगी ना यहाँ पर। यस आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब निकल जाएगी, सब कुछ निकल जाएगा, लेकिन जब भी दूसरी कैपिलरीज की तुलना में ज्यादा परमिबिलिटी तो होगी ही ना। हाँ, इट डजंट मीन कि सारा कुछ फिल्टर बाहर निकल जाएगा, ऐसा मैंने ऐसा नहीं बोला कि पूरा टूट गया फट गया कुछ नहीं है वहां पर। इट इज मोर फेनेस्टेट, इट डजंट मीन कि वो सब कुछ हर चीज अलाउ कर देंगे, वो हर हर चीज के लिए पैसे वो पैसेज बना देंगे वहां, समझे? सर। क्लियर? चले यस आगे। सर। चलिए तो बात करते हैं आपसे अब हम वोमेन्स कैप्सूल की। तो वोमेंस कैप्सूल जो है, इट्स अ ब्लाइंड कपलाई के स्ट्रक्चर है ना, ब्लाइंड स्ट्रक्चर है ये, इट्स अ ब्लाइंड ओके। इन दिस वे मैं एक देखें इस तरह से, ये इसकी आउटर लेयर कौन सी है इसकी? दिस इज द पैराइटल पैराइटल लेयर एंड दिस इज विसरल लेयर। विसरल लेयर, दिस इज एक्चुअली पोरोसाइट लेयर। क्लियर? विसरल लेयर जो है दैट इज कॉल्ड पोरोसाइट लेयर। क्या है ये, समझ गए? पोडोसाइट लेयर। यस। अब देखिए जरा, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो पैराइटल लेयर है, पैराइटल लेयर इज मेड अप ऑफ ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। ओके, एंड जो विसरल लेयर है विसरल लेयर किसकी बनी है? इट पॉडोसाइट सेल की। इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट। बताओ मैं ऐसा क्यों नाम रखा, पोडोसाइट्स, पोडोसाइट सेल्स, के पास सूडोपोडिया होते हैं। विच इज ऑल्सो अ सिंपल स्क्वेमस लेयर, सिंपल
स्क्वामस लेयर। बट क्या है, क्यों ऐसा कहा हमने इसे? बट इट बी अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। है ना, क्या होते हैं इनके पास? पोडो का मतलब क्या होता है? अपेंडिजेस, फुट, फुट लाइक प्रोसेस, जैसे सूडोपोडिया होते हैं। नहीं समझे मेरी बात? हेलो, सो दे हैव फुट लाइक प्रोसेसेस, है ना, फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, इसलिए हमने क्या नाम रखा है इनका? पोडोसाइट सेल्स। समझ में आया? एक स्ट्रक्चर में आपको शेयर कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। जस्ट मिनट। देखिए, तो ये जो प्रोसेस दिख रहे हैं आपको, ये दीज आर द फिंगर लाइक प्रोसेस, ये एक पोडोसाइट लेयर है। आप पोडोसाइट सेल, सॉरी, एक पोडोसाइट सेल से, इसको अभी आपको इग्नोर करना है, ऊपर वाला जो है इसको इग्नोर करना है, इसको अभी इग्नोर कीजिए, इसकी मैं बात कर रहा हूं। सो दिस इज अ वन पोडोसाइट सेल, एक पोडोसाइट सेल है, दिख रही है आपको? इट इज विजिबल टू यू? यस सर दिस इज अ वन पोडोसाइट सेल। बना लिया क्या? सर हुआ? बना रहे हैं। सर, हाँ बेटा, सर इन प्रोजेक्शंस का कोई नाम भी है? इनको पेडिसिल कहते हैं, पेडिसिल, पेडिसिल। हुआ क्या? नाउ अब जैसे पोडोसाइट सेल्स जो है यहाँ पे अरेंज होगी, तो यहाँ पे ऐसे ये पोडोसाइट सेल्स है ना, इस तरीके से, समझे? ये पोडोसाइट सेल्स हैं, तो इनके बीच में भी आपको क्या मिलेंगे? पोर्स मिलेंगे, है ना। बिटवीन द पोडोसाइट सेल्स आपको क्या मिलेंगे? स्पेस मिलेंगे, पोर्स मिलेंगे। ओके, सो बिटवीन there is space called slit pore। क्या कहते हैं स्पेस को? स्लिट पोर। सर, ये जो हर एक पोडोसाइट के बीच में है उसकी बात हो रही है ना? हाँ, और किसके बीच में? हर एक पोडोसाइट, दो पोडोसाइट सेल्स के बीच में अपर्चर है, ओके सर। अपर्चर, स्लिट पोर। क्लियर? सर कोई दिक्कत? नो चलिए, अब ये हमने बात करी किसकी खत्म की?
मालपीज तो बॉडी। कैप्सूल भी। यस यस। अब हम बात करेंगे आपसे किसकी, रीनल टिब्यूल की, ठीक है? यस। ओके आइए देखें। आगे से ही चलते हैं। लिखें रीनल टिब्यूल, इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम पीसी की। प्रॉक्सिमल कॉन्वो ल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक? चले यस सर। तो देखें, एक मिनट मैं थोड़ा डायग्राम बना लूँ, एक जस्ट मिनट। तो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसकी पिथीलियम आई होप आपने पढ़ी होगी, कैसी है? इट इज ब्रश बॉर्डर। कैसी पिथीलियम है इसकी? ब्रश बॉर्डर के बारे में ब्रश बॉर्डर है ना। ठीक है, इस तरह से। तो लाइनिंग है ना, किसकी बनी है इसकी पिथीलियम? लिखें कैसी पिथीलियम है इसकी, क्यूबॉइडल है ना, ब्रश ब्रस्ट बॉर्डर ब्रस्ट का मॉडल है बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर ठीक है? एपिथेलियम। तो सेल्स ऑफ पीसीटी मेड अप ऑफ, अच्छा इसे कॉन्वोल्यूटेड समझते हो ना, क्यों बोलते हैं? इट इज अ हाईली कॉइल स्ट्रक्चर है ना, सर। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम विथ माइक्रो विलाई, सो कॉल्ड ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, कॉल्ड ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना, ये माइक्रोबिलाई है ना, इल्यूमन है ठीक है। एक और बात, दी सेल्स These cells are rich with mitochondria. है ना? Which provide
एनर्जी फॉर एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सॉल्स। ओके, तो यहाँ की सेल्स में आपको बहुत माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगी जो क्या करेंगी, वो जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं किसके लिए, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स। ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? यस सर। इसमें कोई दिक्कत है आपको? द सेल्स ऑफ पीसीटी मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम विद माइक्रोवल्लाई सो कॉल्ड ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियम टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। दी सेल्स आर रिच विद माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट। सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं होना चाहिए था हां बेटा, सर, यहाँ ब्रश बॉर्डर की जगह सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं होना चाहिए था। क्यों भैया? सिलिएटेड क्यों होगा? सिलिएटेड क्यों होगा? नहीं सर, माइक्रोवेलाई है ना, तो तो माइक्रोबलाई होते हैं तो सीलिया कहते हैं उसको, सीलिया ही माइक्रोबलाई होते हैं क्या? सीलिया में और माइक्रोबलाई में अंतर नहीं है? सीलिया क्या है, माइक्रोबलाई क्या है? हाँ तो बेटा, सर सीलिया सीलिया, तो हेयर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी चीज को मूव कराते हैं। हाँ सर, एग्जैक्टली ओके। जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में मिलेगा आपको, ट्रेकिया में मिलेगा आपको, है ना? ये होलो जो ऑर्गन्स है उनकी लाइनिंग फॉर्म करते हैं टू पुश पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एंड सीलिया, देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो बड़ी बात यह है कि जो माइक्रोबुलाई है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसा। सो दीज आर द माइक्रोबुलाई, जबकि जो सीलिया होंगे इट इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना? ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स के बने हैं इस तरह का। दिस इज द दैट इज द डिफरेंट, दिस इज द सीलिया एंड दिस इज द माइक्रोबुलाई। सो माइक्रोबुलाई होते हैं उसे ब्रश बॉर्डर कहते हैं, एंड ये जो है सीलिया है, ऐसा ऐसा होगा सीलिया। नहीं समझे? ओके सर। क्लियर? यस सर। बट आपको नेक पार्ट, ये जो थोड़ा सा नेक पार्ट है, इसमें आपको सीलिया मिल सकते हैं। समझे मेरी बात? स्नैक पार्ट। ओके, इस स्नैक पार्ट में आपको सीरिया मिल सकता है। हेलो सर माइक्रो विलाई एंड विलाई में क्या डिफरेंस होता? तुमने डाइजेस्ट सिस्टम नहीं पढ़ा है? ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग हैं? डाइजेस्ट सिस्टम नहीं पढ़ा आप लोगों ने? तो है, बस एक पढ़ा है बार सर। कम के लिए। चलिए आइए, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ऐसे एक एपिथीलियम है, समझ लो एक एपिथीलियम है ना, कोई सी भी सेल्स की, चाहे क्यूबॉइडल ले लो कि कॉलमनर, कौन सी, ये एपिथीलियम है, ठीक है, लेयर है। ओके समझे? समझे? अभी यस हमने लेयर को कैसा बनाया? सीधा। इस लेयर को कैसा बनाया? सीधा, ठीक। आप समझ रहे ध्यान से, मैं बना रहा हूं। अब इस लेयर को हम ऐसा ऐसा चलाते हैं, देखना तो ध्यान देना इधर। ये लेयर जो है ऐसा, ओके ऐसे घुमा घुमा के ऊपर नीचे, है ना? समझे? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? विलाय। समझे? मिला, यस सर। और सेल के ऊपर ये माइक्रोविलाय हो गए, माइक्रोबुलाई हो गए। समझे? सर। ऐसा होता है। क्लियर? यस सर। कोई परेशानी है आपको? नो सर। अभी समझ में आया? यस सर, आ गया। चलिए आइए। चलिए, तो लेकिन अब मैंने क्या कहा आपसे, इस नेक पार्ट जो है ना, यहाँ पर आपको सीलिया तो मिल सकते हैं। बहुत एविडेंस तो नहीं है, लेकिन तब भी माना जाता है कि नेक पार्ट क्या है? क्या जंक्शन ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड पीसीटी। यस
कैप्सूल एंड पीसीटी है ना, सीलिया क्या होंगे, इट है ना, इट इज लाइन बार सीलिएटेड एपिथेलियम। समझे मेरी बात या नहीं समझे? सर वैसे यहाँ पे ये किस लिए होंगे? थोड़ा फ्लूड को एक वो देने के लिए, फ्लो देने के लिए, करंट देने के लिए है ना। बहुत मैंने बताया आपको कि इट इज नॉट वेरी मच एविडेंट, ये बहुत क्लियर नहीं है यहाँ पे कि एक्चुअली सीलिया है, आई बात समझ में। लेकिन यस बहुत सर, सारी बुक्स, जो अच्छी बुक्स हैं, उनमें लिखा है कि हाँ, नेक पार्ट में कुछ सीलिया मिलते हैं, एक फ्लो को, जो फिल्ट्रेट आता है, उस फिल्ट्रेट को एक फ्लो देने के लिए, करंट देने के लिए, समझे? बताओ अगर नहीं होंगे जब भी, तो वो प्रेशर से उधर ही मूव करेगा ना, इसलिए सर वहां कौन सा प्रेशर है, वहां कौन सा प्रेशर है, वहां जब कौन सा ऊपर से प्रेशर है? फिल्ट्रेट आएगा तो फिर सर वो अपना एक प्रेशर लगाएगा, ऐसे करंट सर वो नीचे से तो वही निकलेगा। प्रेशर लगाएगा, तो वही अब उससे वही प्रेशर है जब वो फिल्टर होके आएगा, जब किसी छलनी को, किसी चीज में, छलनी में आप किसी चीज को डालते हैं है ना प्रेशर से, तो प्रेशर तो छलनी में आके खत्म हो जाता, जैसे आप उसे छलनी में डालोगे तो प्रेशर तो खत्म। अगर आप चाय को छलनी में छानोगे, समझे मेरी बात, तो छलनी में जैसे ही आपने डाली चाय, तो छलनी का जो सॉलिड पार्ट है वो भी तो प्रेशर लगाएगा ना, यस सर, समझे मेरी बात। तो आप छलनी में जब आप कोई चीज डालोगे तो छलनी का जो सॉलिड पार्ट है वो भी तो प्रेशर लगाएगा, और जो प्रेशर से आ रहा था वो प्रेशर जनरेट हुआ था वो प्रेशर खत्म हो जाएगा, समझे मेरी बात। जैसे जैसे वो छलनी से छनता रहेगा तो वो जो उससे पहले जो छना हुआ था उसके ऊपर भी तो एक प्रेशर लगेगा ना, जिस कारण हाँ, वो तो उसको आगे आगे। निकालना पड़ेगा ना, उसको आगे निकालना पड़ेगा ना। हाँ हाँ सर, तो मैं वही तो कह रहा था कि अगर सीलिया नहीं होते जब भी तो वो फिर जैसे जैसे फिल्ट्रेट हाँ, आता तो रहता था फिर इसलिए उसके तो बाद ऐसा, इसलिए तो बहुत कम पार्ट में सीलिया है ना, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पूरी लेयर में सीलिया है, सिर्फ नेक पार्ट में थोड़े से सीलिया है, इसीलिए ना कि रिजर्वॉयर ना बने, इकट्ठा ना हो। हेलो, यस सर, क्लियर चलें क्या आगे? है। यस सर, सर अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे लूप ऑफ फनले की। सर वोमेंस कैप्सूल को हाफ मून शेप्ड कह सकते हैं। क्यों हाफ मून शेप क्यों कह सकते हैं, ऐसे क्यों लगा तुम्हें? वो कुछ लग रहा है ना वैसे देखने लड़के, ये ऐसे मैंने बना दिया है, इसको आप ऐसे भी बनाइए, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे फालतू का इमेजिन जो है ना, कभी वाला इमेजिन मत करो है ना, ठीक है। हाँ, वो पॉइंट की तरह इमेजिन मत करिए, चांद का टुकड़ा लग रहा है और है ना, ठीक है। सर वो सेमी तो लूनर वॉल थे ना, तो वॉल्व थे, तो मुझे लगा ये भी होगा, क्या पता। नहीं, ऐसे नहीं है ना, वो तो ऐसे हमने बना दिया, तो थोड़ा चांद जैसा और भी लग रहा है, तो अब भी इस तरीके से होगा, ठीक है। वो लेयर है तो है ना, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो होलो स्ट्रक्चर है अंदर से, ठीक है। चले आगे, अब तो यस चांद जैसा नहीं लग रहा है, देखो अभी भी लग रहा है तुम्हें, नो सर, हम नहीं चांद है। नजर आ रहा है आजकल तुमको ज्यादा, है ना। क्या उम्र होगी तुम्हारी, है? 16 ईयर्स अभी 16 साल की हुई बेटा, इतनी जल्दी चांद नजर आने लगा तुम्हें क्यों, है? पहले वोट तो डालना स्टार्ट करो, चले आगे। यस ओके, सर। आइए तो बात करते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले, ठीक है, एक बड़ा काम की चीज है भाई, लूप ऑफ हेनले है ना। तो देखें, तो जहां से बात है, कहां से स्टार्ट होगा, पीसीटी से है ना, पीसीटी। अच्छा, एक एक बात मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये कॉन्वोल्यूटेड का मतलब तो समझते हो ना, इट इज अ हाईली कॉइल है ना। यस सर, हाँ, तो ये याद रखना, इट इज हाईली कॉइल, सो इट इज कॉन्वोल्यूटेड है ना, ये लिखना। खैर, आइए लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में आप देखेंगे, डायग्राम में बैक में जाइए और जरा देखें, यहाँ पर ये देखिए, ऐसे लूप ऑफ हेनले कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये है ना, ये यस डिसेंडिंग, तो ये ऐसे, ये पीसीटी है, तो ये लूप ऑफ हेनले का ये पार्ट कैसा है, ये थिक पार्ट है, ये थिन पार्ट है, फिर इसका इधर थिन, इधर इधर इसका थिक, ऐसा नहीं समझे? ये जो लिम्ब है इधर आ रही है नीचे, ये क्या है, डिसेंडिंग, ये जा रही है वो क्या है, असेंडिंग, ओके समझे। यस सर, हाँ, तो आइए सबसे पहले पहले हम देखेंगे,
बात करेंगे आपसे असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, इसमें क्या है, क्या क्या पार्ट है असेंडिंग लिंग में? सबसे पहले क्या है, थिक सेगमेंट, देन क्या है इसमें, लिखी लो यहां पे, इसका जो ल्यूमन है इट इज सेम एज इन, कहां पे होगा, डीसीटी। सेम एज इन डीसीटी एंड मेडअप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल, किसका बना ये, सिंपल क्यूबॉइडल। ओके, क्लियर? यस सर। तो थिक सेगमेंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, अब हम बात करेंगे आपसे किसकी, थिन सेगमेंट की। किसकी बात करेंगे, थिन सेगमेंट। ओके, करें सर वाली लाइन समझ में नहीं आई, ल्यूमिनस सेम एज इन डीसीटी वाली। मतलब उसका जो डायमीटर है वो सेम ही है, जैसे जैसे डीसीटी में, यहाँ पे देखो ऐसे जो डीसीटी है, पीसीटी है, वो उसके बराबर ही है, नहीं समझे, सही तो बराबर ही है। हेलो, यस सर, नहीं नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे। नो सर। अरे मेरे बाबू, इसमें क्या परेशानी है तुम्हें? मैंने कहा उसका जो डायमीटर है, डायमीटर सेम ही है जैसे कि पीसीटी में है, मैंने पीसीटी बोला है ना। पीसीटी सर, हाँ, यहाँ आपने डीसीटी लिखा सर है। आपने पीसीटी बोला है। यस डीसीटी बोल दिया क्या? पीसीटी, पीसीटी, पीसीटी। सर, पर ये तो असेंडिंग वाला है ना, इसका तो डीसीटी के जैसा ही होगा ना यानी डायमीटर। जैसे मैंने कौन सा लिख दिया पहले? सर आपने पहले असेंडिंग वाला लिखा है। हाँ, नहीं, पहले आप डिसेंडिंग लिखें और जैसे लिखा है वैसे लिखिए, डिसेंडिंग ही लिखिए, बाकी तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं ना, थिक सेगमेंट ही है ना पहले तो। यस सर, पहले ठीक है। हाँ, डिसेंडिंग लिखें यहाँ पे, डिसेंडिंग लिंब में पहले क्या आएगा, थिक सेगमेंट, इसका ल्यूमन सेम है जैसा कि पीसीटी में। अभी अभी कोई परेशानी इस बच्चे को, जो बच्चा बोला था अभी, उसको परेशानी कोई? नो सर। हाँ, वो इधर उधर हो गया था एक्चुअली, वो असेंडिंग उधर। खैर, अभी ठीक है ना। यस सर। हाँ, अब लिखें दूसरा पार्ट, सेगमेंट क्या हो जाएगा इसका, थिन सेगमेंट। थिन सेगमेंट किसका बना होगा, इज मैटर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। ओके, अभी समझे आप बच्चों? यस सर। यस सर। चलूं क्या मैं आगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नो सर। ओके, अब देखें जरा एक बात, यहाँ पर जो डिसेंडिंग, इसके बारे में मैं ज्यादा अभी कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही बोल के निकल जाऊंगा। एक किसके लिए परमीबल है, जो असेंडिंग, जो डिसेंडिंग लिम्ब है। सर एक बार थिक सेगमेंट, थिन सेगमेंट डायग्राम में दिखा दीजिए। हाँ, ये वाला पार्ट जो है, ये है ना, ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग है। तो डिसेंडिंग में पहले क्या है, थिक पार्ट है, उसके बाद क्या है, थिन पार्ट, है ना। और असेंडिंग, अभी अपन बात करेंगे असेंडिंग, तो उसमें पहले क्या मिलेगा, थिन, बाद में क्या मिलेगा, पार्ट, थिक। थिक पार्ट। ओके, यस सर। ओके, आइए, मैं आपसे क्या बोला था कि ये जो पार्ट है कौन सा, डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमीबल फॉर सॉल्ट्स, बट परमीबल फॉर क्या, वाटर। सर
इतनी बात लिख लें, ठीक है? ओके, चलें आगे। सर। अब लिखेंगे हम लोग असेंडिंग। ये थोड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग के याद रखना है ना, कई बार इधर उधर हो जाता है, तो कहीं पर भी ऐसा कहीं लगे आपको मिस्टेक तो बताएं मुझे, जैसे तो मैं ध्यान रखे हूं। असेंडिंग लिम, तो असेंडिंग लिम में पहले क्या आएगा? थिन थिन सेगमेंट। सेगमेंट। तो अगेन वही सेम ही है, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वमस पिथीलियम। ओके, देन थिक सेगमेंट, इट इज मेड अप ऑफ ऑफ क्या? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, डायमीटर ए सेम एज इन कहां पर? थिक सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम और डीसीटी। डीसी, ठीक, उससे कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपन बात करेंगे डीसीटी। ओके, यस सर। क्लियर? यस सर। चलें आगे। अब बात करेंगे आपसे डीसीटी की। आइए, अच्छा एक बात और कर लें, यहां पे लिख लें। ये जो असेंडिंग लिम है, इज इम्परमीबल वाटर बट परमीबल फॉर सॉल्ट्स। ओके, क्लियर? यस आप देखेंगे डीसी, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वो ल्यूटेड टिप्यू, इट इज अगेन अ हाईली कॉइल स्ट्रक्चर, इट इज अ हाईली कॉइल स्ट्रक्चर, मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ओके, एंड इट इज कनेक्टेड विथ कलेक्टिंग डक्ट विथ जंक्शनल टिब्यूल, जंक्शनल टिब्यूल इज अ हाईली कॉइल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, इट इज कनेक्टेड विथ कलेक्टिंग डक्ट, है ना, विद द हेल्प ऑफ जंक्शनल टिब्यू। बिल्कुल। ओके, यस सर। यस, चलें क्या? यस सर।
चलिए आगे देखिए यहाँ पर। अच्छा एक थोड़ा सा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखाती हुई जा रहा हूँ। यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन होगा डीसीटी में, रीएब्जॉर्प्शन इन डीसीटी इज कंडीशनल। अब इनके मतलब मैं कुछ नहीं बता रहा हूं अभी, है ना, बस लिखवा रहा हूं कंडीशनल। जब आएगा तो मैं बताऊंगा, देखो मैंने वहां पे आपसे ऐसे बोला था। रीअब्जॉर्प्शन जो होगा डीसीटी के अंदर कैसा होगा, वो कंडीशनल होगा। ओके यस सर। अब देखिए जरा आगे। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कलेक्टिंग डक्ट की। कलेक्टिंग डक्ट क्या ये नेफ्रॉन का रीऑब्जॉर्प्शन पार्ट है? का मतलब नो सर, रीऑब्जॉर्प्शन नो सर। कंडीशनल, रीऑब्जॉर्प्शन इन डीसीटी इज कंडीशनल। कंडीशनल इस लाइन का मतलब मैंने आपसे क्या बोला कि इस लाइन का मतलब अभी कुछ मत जानिए, अभी से भी लाइन लिख लीजिए, जब आएगा तो उस लाइन का मतलब मैं आपको बताऊंगा। जस्ट राइट इट, स्टार बनाइए और इसे लिख लीजिए, दैट्स इट। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं और इसे छोड़ दीजिए, आप इसे दिमाग मत लगाइए, मैं आपको बताऊंगा मैंने वहां पे आपको लिखाया था, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख लीजिए, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके चलूं क्या मैं? सर। कलेक्टिंग डक्ट तो मुझे बताइए, क्या कलेक्टिंग डक्ट इज अ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन और नॉट? क्या ये नेफ्रॉन का पार्ट है? नहीं सर, नहीं नहीं है ना। यस सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ओके किस पार्ट में मिलेगा आपको ये, है मेडुला, मेडुला ही प्राप्त मेडुला में। ना? हाँ इट इज प्रेजेंट इन मेडुलरी पार्ट। ओके आगे देखिए, ऑल द मैनी, ऐसे मत लिखिए, मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्स। आगे चल रहा हूं मैं, इसको आगे पेश कर रहा हूं, करूं क्या? यस सर। ओके मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्स इन, मैनी बोला है मैंने ना, सभी नहीं बोला है। मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्स इन डक्ट ऑफ बेलनी। नहीं समझे? मैनी कन्वर्स डक्ट ऑफ बेलनी एट द रीजन ऑफ मेडुलरी क्या, पैपिल्ला? नहीं समझे? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी डक्ट ऑफ बेलनी किससे मिल जाएंगी? माइनर कैलिसेस से, है ना, माइनर माइनर कैलेसिस कैलिसेस से से हो मिलके सकता मेजर कैलिसेस, फिर रीनल है। पैल्विस, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ओके क्लियर? यस सर। सर तो ये डक्ट ऑफ बेलिनी एक ही होगी क्या? बहुत नहीं एक क्यों नहीं, बहुत सारी डक्ट ऑफ बेलनी सारी होंगी, होंगी। बहुत सारी होंगी, मतलब एक साइड की, देखो सुनो, एक साइड की बहुत सारी जो है, इसलिए मैंने 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 लिखाया है, मैंने लिखाया मैं, है ना, बहुत एक एक साइड की बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट डक्ट ऑफ बेलनी बनाएंगी, फिर उस तरफ की डक्ट ऑफ बेलनी, उस तरफ की डक्ट ऑफ बेलनी, उस तरफ की डक्ट ऑफ बेलनी मिलके वो सब माइनर कैलिसेस बनाएंगी, माइनर कैलिसेस मिलके क्या बनाएंगे, मेजर कैलिसेस, रीनल पेल्विस में कन्वर्ज हो जाएगा, समझे? यस सर। हाँ क्या आपको कोई परेशानी? नो सर।
अब देखिए आपको कॉर्टेक्स, जो रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहां पे क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में आपको क्या मिलेगा, मालपीस मालपीछे और बीसीटी डीसीटी समझे, और मैडुला में लूप ऑफ हैनले और कलेक्टिंग डक्ट। LOH है ना, कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा क्या मैं ये बोलूं डक्ट ऑफ बेलिनी भी बोलूं क्या, मैं क्या नहीं बोलने की सर, जरूरत है, आप जब कलेक्टिंग डक्ट है तो बेलिनी तो होगी ही होगी, तब भी भाई आप लिख रहे हैं बलि। हाँ डक्ट ऑफ बेलिनी ओके, अभी ये समझ में आएगा आपको, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं कॉर्टेक्स में, क्योंकि अभी मैंने कॉर्टेक्स और मेडुला इस तरीके से बताया नहीं है अभी आपको, है ना, तो ये मैं जस्ट बताने जा रहा हूँ आपको, हैव पेशेंस, कि कॉर्टेक्स में क्या मिलेगा, मेडुला वाले पार्ट में क्या मिलेगा, मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, चलूं क्या? यस सर। यस ओके आइए, अब मैं आपसे बात करूंगा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। सर जैसे कि जो कलेक्टिंग डक्ट ये जहाँ डक्ट ऑफ बेलिनी में कन्वर्ज नहीं होते वो कहाँ जाते हैं? क्यों कन्वर्ज नहीं होंगे, क्यों कन्वर्ज नहीं होंगे, वो स्ट्रक्चर है, सभी कलेक्टिंग डक्ट एक जगह बेलनी ही बनाएंगे, क्यों कन्वर्ज नहीं होंगे, वो क्या हवा में लटके होंगे क्या? हेलो हेलो, यस सर। अरे क्यों नहीं बनाएंगे, सब वही कन्वर्ज होंगे, क्यों नहीं होंगे, वो तो स्ट्रक्चरल वो है, कोई उसका ऑप्शनल थोड़ी ना है कि सभी कन्वर्ज नहीं होंगे, कुछ हवा में थोड़े लटके हैं वो सब, वो तो जो स्ट्रक्चर है वैसा ही है ना। यस सर। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं, दो तरह के नेफ्रॉन्स आपको मिलेंगे, देखें एक डायग्राम मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जस्ट सीट, ना जस्ट मिनट, देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, डायग्राम देखा आपको, यस सर। सर ये बनाना है सर, बना लें लेकिन मतलब हाँ थोड़ा सा बना लीजिए, एक आपको ओके आइडिया सर, रहेगा, है ना, ओके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए जो आपकी मर्जी होगी, लेकिन आप उसको आपको देखना तो पड़ेगा ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, एंड जक्स्टा, ठीक है, अब बच्चों यस सर, क्या बनाया आपने, समझ आ गया। यस सर, तो आप देखें
ये जो पहला नेफ्रॉन ये क्या है, जक्स्टा मेडुलरी, इसका देखिए लूप ऑफ हेनले कितना लंबा है, और मोस्ट ऑफ और लूप ऑफ हेनले किसमें प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन मैडुला, मेडुला, जबकि आप देखिएगा इसका लूप ऑफ हेनले एक तो शॉर्ट है, इसका कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ना शॉर्ट भी है, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स ऑन, बहुत कम पार्ट है जो किसमें प्रेजेंट है, मेडुला वाले पार्ट में, कॉर्टिकल समझे मेरी बात। दूसरी बात आप नेफ्रॉन। देखें कि यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी भी प्रेजेंट है, वासा रेक्टा इज वेल डेवलप हियर, ये देखिए ये जो इस तरह की जो कैपिलरी है ना, जो लूप ऑफ हेनले से लिपटी हुई है, ये कैपिलरी को हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, ये रेक्टम लिखा है, वासा रेक्टा कुछ भी बोलिए आप, वासा रेक्टा, तो यहाँ पे वेल डेवलप है, आप देखिए यहाँ पे वासा रेक्टा इज नॉट वेल डेवलप, एबसेंट होगी या रिड्यूस्ड होगी, लेकिन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी तो प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट तो प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट, बट वासा रेक्टा यहाँ पे क्या है, एबसेंट है सेंट या रिड्यूस्ड है, या तो कम डेवलप होगी या फिर एबसेंट होगी, नहीं समझे आप मेरी बात सर, बच्चों, यस सर, समझ गए। समझ गए। तो हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में और इसमें, आइए देखें। तो सबसे पहली बात है ये कितने परसेंट होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन वर्किंग ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन है ना, तो ये कितने परसेंट है बच्चों, 85%, 85% और दे आर वर्किंग ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन है ना, क्लियर, सर। एंड दीज आर द 15%, ओके, एंड वर्किंग ड्यूरिंग कब काम करते हैं, वाटर स्कार्सिटी, वर्किंग ड्यूरिंग द वाटर स्कार्सिटी है ना, पानी की जब कमी होती है उस समय बात कर काम करते हैं ये, वेरी लेस पार्ट ऑफ एल ओ एच प्रेजेंट इन कॉट मेडुला, मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एल ओ एच प्रेजेंट इन मेडुला, पेरी सर मेडुला ट्यूबुलर, पार्ट के बाद क्या लिखा है, इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एल ओ एच लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट इन मेडुला, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी प्रेजेंट बट वासा रेक्टा एब्सेंट और रिड्यूस्ड, वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड, वासा रेक्टा यहां पे पूरी तरह से डेवलप है, हुआ क्या बेटा, यस क्या हम आगे चल सकते हैं, सर, यस सर, यस सर। सर नॉर्मल कंडीशन में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन फंक्शन नहीं करते? ऐसा नहीं है कि नॉर्मली वो काम नहीं करते, लेकिन उनका जो वर्किंग है, उनकी जो वर्किंग है उन पर लोड जो है वो बढ़ जाता है ड्यूरिंग द वाटर स्कार्सिटी, समझे मेरी बात। यस।
चले सर, दोनों में कॉर्टिकल और सबकामेडुलरी, ये दोनों एक ही कनेक्शन ट्यूब से ज्वाइंट होते हैं जो। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग है वो अलग है, उसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा कुछ ऐसे होंगे, वो एक ही कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट हो सकता है। अब देखिए ना स्ट्रक्चर तो बना है, दिख तो रहा आपको सामने। सर चलें क्या आगे? यस सर ओके, ना हम बात कर लेते हैं आपसे एक, क्या हम पीछे वाली स्लाइड में कर लें, यहाँ पर जगह है, कर लें, चलेगा? यस सर ओके सो मैं आपसे बात करना चाह रहा था ब्लड सप्लाई की। ओके आइए, है ना, अब मैं आपसे किडनी में जो ब्लड सप्लाई है उसकी बात करूंगा, ठीक है? आइए, लेकिन ब्लड सप्लाई किडनी, ओके। तो आपको मालूम है रीनल आर्टरी अराइज फ्रॉम, किससे अराइज होती है? डिसेंडिंग डिसेंडिंग एओर्टा। ओके, यानी डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ऐसे समझ एओर्टा। लो एक किडनी है, ओके एक किडनी है, तो ये डिसेंडिंग एओर्टा है और इससे एक ब्रांच निकली है ना, सो दिस इज द रीनल। एक मिनट, समझना ध्यान से, ठीक है? ए रीनल आर्टरी कहाँ गई? किडनी के अंदर गई, किसके थ्रू? हाइलम के थ्रू, ठीक। हेलो हेलो बच्चों, आप बात यस समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? सर यस सर इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं इसका। ठीक है, अब ए जो है ऐसे समझ लो, आपके लिए वैसे ही मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्या है, नेफ्रॉन है ना उनका, ये वोमेंस कैप्सूल है, ठीक है ना, समझे ऐसा? ओके ए, सर। तो ये जो है यहां से बाइफर्केट होगी किसमें? बहुत सारी अपफ्रंट आर्टेरियोल में यस, है ना, बहुत सारे एफरेंट आर्टेरियोल में, और हर एक नेफ्रॉन में जाएगा ये, हर एक नेफ्रॉन में, नहीं समझे मेरी बात? हेलो, सर और जाकर ये समझा रहा हूं, ये क्या किस्म बढ़ जाएगा? ग्लोमुलस में, कैपिलरी या फिर ग्लोमेरुलस पहले ग्लोमुलस में, उसके बाद में किसमें? फिर इफ्रंट आर्ट्रियोल, उसके बाद फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। हाँ, तो ऐसे ही इफ्रेंट में ये जैसे ही वो हुआ तो ये वापस आ गया इफ्रेंट, ये सभी में होगा ऐसा, सभी के सभी, हर एक नेफ्रॉन का, है ना, और फिर ये ऐसे 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 होके, और सबकी ये जो कैपिलरीज फिर मिलके वापस और क्या बना लेंगी, सबकी मिलकर आप देखो मेरा मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यस सबकी ग्वेंस मिलकर, सबकी मिलकर, सबकी, और वापस किडनी से ए विन्यूल बना के और फिर वेन बना के क्या होंगे, किडनी से ये निकल जाएगी, नहीं समझे आप? हेलो, सर क्या आप मेरी बात समझे नहीं समझे? समझे तो सुनो, तो रीनल आर्टरी है ना जो डिसेंडिंग ओटा से निकली निकलती है, दैट सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी, एंड व्हेन इट इंटर्स इन द किडनी थ्रू हाइलम, इट डिवाइड इन द मेनी एफरेंट आर्टेरियो। एफरेंट आर्टेरियोल कहाँ जाएगा, है ना, किस कहाँ जाएगा, ये वोमेंस कैप्सूल पर, एंड इट्स फॉर्म अ ग्लोमुलस, देन ग्लोमुलस अगेन कन्वर्स, यानी द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमुलस अगेंस्ट कन्वर्स एंड फॉर्म इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल फिर क्या होगा,
डिवाइड इन द मैनी कैपिलरीज एंड फॉर्म पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासर एक्टा, ऑल द कैपिलरीज कन्वर्ज एंड फॉर्म क्या, विनियोल्स, देन इट्स लीव द किडनी वाई फॉर्मिंग रीनल वेन। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर, बाकी सभी बच्चों को समझ में आई क्या? यस सर, क्या मैं दोबारा और मैं समझाऊं किसी और तरीके से कि समझ में आया? बोलो सर आ बच्चों, गया समझ। आ गया ना? चलिए ठीक है, तो लिखें फिर, ऐसे ही लिख लीजिए आप। सर आप लिखवा दीजिए। हाँ नहीं, हाँ लिखवा रहे हैं, मेरा मतलब है आप लिख लीजिए, मैं तो लिखवाऊंगा ही। लिखें, मैं ऐसे बोल दूं तो चलेगा या मैं लिखा लिख लिख दूं यहाँ? सर बोल दो। तो लिखें, रीनल आर्टरी अराइज फ्रॉम द डिसेंडिंग एओर्टा, सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। राइज फ्रॉम डिसेंडिंग एओर्टा सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू किडनी। When it enters in kidney, divide in many afferent arteriole. Each afferent arteriole goes to Bowman's capsule and form glomerulus. After that, glomerular capillaries, glomerular capillaries क्या होंगी? Efferent arteriole बनाएगी। Yes. ग्लोमुला कैपिलरीज, गट का माइन, एंड फॉर्म इफ्रेंट आर्टेरियोल। ऑल दी इफ्रेंट आर्टेरियोल arteriole forms peritubular capillaries and vasa recta. Then these कैपलरीज एंड वासरेक्टा भी कैपलरीज ही है ना? वासरेक्टा कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम नेफ्रॉन्स एंड कैट कम्बाइंड to form kya, venule. After that
ऑल द विन्यूल, विन्यूल यूनाइटेड एंड फॉर्म रीनल वेन। Which leave the kidney, and pours deoxygenated blood. देख रहा है आपको, किसमें पूर करेगी डीऑक्सीजन? इतना तक दिख रहा है क्या? यस कुछ लीव द किडनी एंड पोर्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें किसमें पोर करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? रेनल वीन में और रिनल वेन तो निकल गई ना, रिनल वेन विच लीव द किडनी एंड पोर्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर इन्फीरियर। वेना कावा। यस अच्छा, मेरे को लगा कि आप किडनी के। अच्छा, वो तो हार्ट में सर इंफीरियर वेना कावा में करिए। हाँ इन्फीरियर वेना कावा, और ये पोर कर देगी इन्फीरियर वेना कावा, वहां से हार्ट में चला जाएगा। यस सर। क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको और बताऊंगा, आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको डायग्रामेटिक भी बताता हूं। सर लिखा बच्चों ने? नो सर, एक मिनट। लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए, घबराइए मत। हो जाए तो बताइए जल्दी। ये ऐसा हो गया। हो गया? चलिए आइए, तो मैं एक डायग्रामेटिक आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, देखें। चलो मैं बच्चों, सभी का हो गया क्या? आगे चलो। यस ओके आइए देखें, है ना, ब्लड सप्लाई कहीं, मैं बता रहा हूं एक डायग्रामेटिक तरीके से बता रहा हूं, देखें। देखें, सो डॉर्सल एओर्टा, और क्या कहेंगे इसे, डिसेंडिंग एओर्टा। ओके, रीनल आर्टरी, देन एफरेंट आर्टेरियोल, देन ग्लोमुलस, देन इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, और यहां पर ये क्या फॉर्म करेगा, पेरिट्यूबुलर, कैपिलरी कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा। रेक्टा। ठीक है, और देखें, ठीक है, फिर ये क्या बनाएगा, ये सब मिलके क्या बनाएगा, विन्यूल्स। ओके, देन रीनल वेन, देन इंफीरियर, वेनकावा, और फाइनली कहाँ चला गया, हार्ट में। क्लियर? यस सर। यस यहां पर कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड इस तरफ है ना,
ऑक्सीजनेटेड है। हाँ अरे डीऑक्सीजनेटेड है। क्लियर और नॉट? क्लियर तो ये हमने बात की ब्लड फ्लो इन द किडनी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर आगे चलूंगा। बोलो बच्चों। हेलो, सर स्क्रीन एक पे बारी वो टाइप्स एग्जैक्टली ऑफ नेफ्रॉन्स के डिफरेंस वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हो गया सर, थैंक यू। क्या आपको कोई दिक्कत है? क्या हम आगे चल सकते हैं या नहीं चल सकते? यस बोलो। सर, चल सकते हैं। ओके, तो हम आपसे बात करेंगे। आप इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जक्स्टा ग्लोमुलर एपरेटस। किसकी बात करेंगे? जक्स्टा ग्लोमुलर जैक्टा एपरेटस। ओके, आइए देखें जरा। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एक्सक्रीटी सिस्टम का। जक्स्टा ग्लोमुलर एपरेटस। ओके, इसको हम कैसे लिखते हैं? जे जी ए। जक्स्टा का मतलब पास में, ग्लोमुलस के पास में। जक्स्टा ग्लोमुलर एपरेटस। क्लियर? यस सर। आइए पहले तो मैं आपको बता दूं किससे बना होता है, फिर हम बात करेंगे, फिर इसका एक डायग्राम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आइए, इट इज मेड अप ऑफ है ना, देखें। जक्स्टा ग्लोमुलर सेल प्लस मैकुला डेंसा। ओके, प्लस लैसेस सेल्स। और इनको क्या कहते हैं? लैसेस सेल्स का ही दूसरा नाम है पॉल्किंसन सेल। इनका ही दूसरा नाम क्या है? मीसेंजियल सेल। ओके, समझे आप? यस सर। ओके, नाउ लुक हियर, मैं आपको एक डायग्राम शेयर करूं, फिर आप बनाएं जो भी आपको करना है। जस्ट मिनट। लीजिए, जक्स्टा ग्लोमुलर एपरेटस जक्स है ना, इट इज मेड अप ऑफ जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स प्लस मैक्युलोडेंसा प्लस लैसेस सेल्स, आल्सो कॉल्ड पॉल्किंसन सेल, आल्सो कॉल्ड मीसेंजियल सेल। ओके, तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? आप यस सर। कितने हैं? बहुत ज्यादा तो मुझे लगता है इसमें बहुत सारा नाम सब चीजें लिखी हुई हैं, तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है आपको करने की जरूरत नहीं है। जिनको मैं वो इरेज कर दे रहा हूं उनको मत कीजिएगा आप।
क्योंकि बाकी तो आपको पता ही है कि इसमें इतना सारा नाम नॉमेनक्लेचर अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अच्छा ये आपको कुछ ऐसे समझ में, मैं आपको अगर ऐसे लग रहा हो बहुत कंफ्यूजिंग तो मैं बना दूं इस डायग्राम को, सर आप बना दो प्लीज। मैं बना दूं? चलो ठीक है, तो छोड़ो फिर इसको, मैं हटा रहा हूं, है ना? ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना? यस मुझे टाइम देना सर, पड़ेगा आप। ओके यस सर। ठीक है, मैं बनाता हूँ फिर। जस्ट मिनट। कितना टाइम हुआ है? अब हो नहीं पाएगा लेकिन डायग्राम तो हो तो टाइम में। बच्चों यस सर। हो नहीं पाएगा डायग्राम। सर वैसे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर नहीं अभी पॉसिबल हो पाएगा तो आप नेक्स्ट क्लास में बनवा दीजिएगा। ओके देखो मैं कोशिश करता हूँ बनाने की जल्दी से, थोड़ा सा लो बहुत। वो तो 5 मिनट और रुक जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ रुक जाओगे ना? सर, ठीक है चलो मैं बना रहा हूँ यस डायग्राम। सर। बस देखो आप, ये है मैकुला डेंसा, है ना? डीसीटी का पार्ट बनाया मैंने,
ये पार्ट डीसीटी का है, उतना सेक्शन जो आर्टेरियोल के पास से गुजरता है वो सेक्शन है ये। ठीक है, ये बन गया डायग्राम। आइए, तो दिस इज द एफरेंट आर्टेरियोल, ये उल्टा बनाया इसलिए एफरेंट आर्टेरियोल इधर है ना। ये जो सेल्स हैं दीज आर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं आपको दीज आर द रेनिन ग्रैन्यूल्स, दिस इज द मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा, ओके, ये डीसीटी है ना, डीसीटी, डीसीटी को यस काटा है, सर। डीसीटी को काट के देखा है ना, डीसीटी है उसका ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है। ये तो वुमेन्स कैप्सूल है, ये ग्लोमुलस कैपिलरीज है इसकी, तो क्या मैं बात करूं आपसे। ओके, दी जाता लेसस सेल्स, ये लेसस सेल्स बन गया क्या। बच्चों यस बना, सर, यस सर। अब इस डायग्राम से ही अपन स्टार्ट करेंगे और इस डायग्राम के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या है और एक कैसे क्या चीज है, क्या काम करता है, ये ऑपरेटस क्या है, ठीक है। इस डायग्राम को मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। सर, तो आपका कल एग्जाम है, कल है ना आपका एग्जाम। यस सर, यस सर। ओके, कैसी हो गई प्रिपरेशन, कैसे की आपने, अच्छे से हुआ प्रिपरेशन, यस सर, चल रही है। चल रहा है, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट है ना, अच्छे से करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं करें, अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग, और जितना अगर नहीं आता है तो जस्ट लीव इट। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊंगा, सुने एक बात, एग्जाम से ही पॉइंट ऑफ व्यू से, आप समझते हैं एंटी कोगुलेंट का मतलब क्या है, एंटी कोगुलेंट। हेलो यस एक सर, मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको, जस्ट मिनट, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे कहाँ गया है? देखें, एंटी हिपेरिन तो नेचुरल एंटी कोगुलेंट, इसके अलावा आपको मालूम है क्या क्या है? हेलो, हाँ सर, हेलो बच्चों, नो नहीं मालूम? सर, बस ये बारे नहीं पता है। अच्छा हिपेरिन नहीं पता है, ओके चलिए। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास दो टेस्ट ट्यूब बेबी, हम क्या टेस्ट ट्यूब बेबी, दो टेस्ट ट्यूब है ना, ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये देखिए, ये एक एक टेस्ट ट्यूब जो है, ये बहुत इसकी स्मूथ, ये अंदर से इसकी सरफेस बहुत चिकनी है, ओके, इसकी सरफेस रफ है, तो आप किसमें आप ब्लड डालना पसंद करोगे, किसके अंदर, तो किसके इसमें अंदर, दो, हाँ किसके अंदर,
स्मूथ वाली जो है टेस्ट ट्यूब, स्मूथ वाले के अंदर, क्यों स्मूथ वाले के अंदर क्यों क्योंकि डाल? हाँ, सर उसके अंदर रीडिंग लेना आसान हो जाएगा ना, क्या लेना आसान हो जाएगा, रीडिंग मतलब? जैसे ब्लड वगैरह की रीडिंग लेना आसान हो जाएगा, और सर ये भी है कि जो ब्लड है वो जल्दी से कोआगुलेट नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सर ब्लड ब्लड को कोआगुलेट ज्यादा सर क्या 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 क्या, दोबारा 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 बोलो, दोबारा दोबारा बोलो, दोबारा सर जब प्लेटलेट्स रफ सरफेस के उसमें आती है कांटेक्ट में तो वो क्लॉट हो जाती है, मतलब क्लॉट करने यस लगती यस 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 है ना। तो जो प्लेटलेट्स हैं, जब रफ सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं तो क्या हो जाता है, तो वो है। रप्चर सर करती हैं। जैसे अगर स्मूथ सरफेस मिलेगी तो उन्हें क्या लगता है, जैसे वो नेचुरली कहाँ पर रखी हुई है, जैसे बॉडी के अंदर, जैसे बॉडी के अंदर बिल्कुल नेचुरल उनको इन्वायरमेंट मिलता है, ऐसे ही इन्वायरमेंट उसको कहाँ मिलता है, चिकनी टेस्ट ट्यूब के अंदर। समझे मेरी बात? यस सर ओके चलिए, अब एक दूसरी टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब जो है वो चिल्ड है, एक गर्म है, तो यहां पर बताएं जरा, यहां पर क्या होगा? सर जो ठंडी वाली है सर, चिल्ड वाली के प्लेटलेट्स अंदर ब्लड कोगुलेशन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, इसके अंदर जल्दी नहीं हो पाई कॉगुलेशन। जो कोल्ड टेम्परेचर पर रखी है। ओके है ना, तो चिल्ड जो कंडीशन होती है वो कॉगुलेशन को क्या करेगा, डिले कराएगा, आई बात समझ में? और जो वैसी कैसी कंडीशन है, हॉट हॉट कंडीशन कंडीशन, यस हॉट कंडीशन जो है वो बढ़ाएगा। ठीक है चलिए, इसके अलावा एंटी कॉगुलेंट और कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा अपन बात करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात, विटामिन के का क्या रोल है, विटामिन के का क्या रोल है? सर, क्लोटिंग में हेल्प करता है वो, सर कैसे, हाउ इट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग? हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ, आपने विटामिन्स नहीं पढ़ी, प्रोथ्रोमिन में हेल्प करेगा ये, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोमिन। ठीक है क्लियर? सर इसके अलावा एंटीकोगुलेंट कौन से होते हैं आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी मतलब आर्टिफिशियल, तो इसमें आते हैं सोडियम, कौन सा, सिट्रेट, ओके, एंड सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है, और ईडीटीए सुना होगा, इथिलीन, डायमीन, टेट्रा एसिटिक एसिड, समझे ये सब क्या है? एंटीकोगुलेंस आउटसाइड यस बॉडी वाले। हाँ, तो ऐसे जो लोग जो अपन जो डालते हैं पाउच वगैरह में रखते हैं ना ब्लड को, आपने देखा होगा उसमें, तो क्या करते हैं सोडियम सिट्रेट डालते हैं, तो सोडियम सिट्रेट जैसे डालेंगे तो सोडियम तो हट जाएगा है ना, और कैल्शियम इससे बाइंड करके क्या बना देगा, कैल्शियम सिट्रेट, तो जब फ्री कैल्शियम नहीं रहेगा तो क्लॉटिंग भी नहीं होगी। आपको मालूम है हर स्टेप के लिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए CO2 सर। है ना, कैल्शियम चाहिए। ये जितने भी एजेंट्स हैं इन सभी को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड चीलेटिंग एजेंट, सुना है कभी ऐसा केमिस्ट्री में, सुना है चीलेटिंग एजेंट्स? नहीं सुना? नो सर, ऐसे केमिकल जो फ्री कैल्शियम से बाइंड कर लेते हैं, जो कैल्शियम से बाइंड कर लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चीलेटिंग एजेंट। तो जितने भी चीलेटिंग एजेंट्स होते हैं ये ऑल आर द एंटी कोगुलेंट। नहीं समझे? हेलो, यस सर, तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, तो ये एंटी कोगुलेंट है ना, सोडियम सेटेट, सोडियम ऑक्सलेट एंड ईडीटीए, इथिलीन, डायमीन, टेट्रा एसिटिक एसिड, ये सभी को क्या कहते हैं हम, चीलेटिंग एजेंट। चीलेटिंग एजेंट क्या है, विच बाइंड विद, फ्री कैल्शियम। यस बाइंड विद फ्री कैल्शियम। ओके फाइन, क्लियर? यस सर। यस सर। यस।
तो फिर चला जाए। सर हाँ बच्चे, मैंने ना कहीं पर पढ़ा था सर, वो जैसे कि जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना, जब वो मतलब कहीं पे एक्सपोज होते हैं तो वहां पर फिर प्लेटलेट्स आ जाते हैं, तो सर इसका लफ प्लेटलेट्स, फाइव प्लेटलेट्स आ जाते हैं मतलब। मतलब सर जैसे कि कहीं पे जैसे हमें चोट वगैरह लग जाती है, तो वहां पे जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो अगर एक्सपोज होते हैं तो वहां पर जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो वहां पे रप्चर कर जाते हैं बड़ी जल्दी जल्दी, और फिर एक के ऊपर एक प्लेटलेट्स बन आते रहते हैं सर वो। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कॉलेजन फाइबर रप्चर कर जाते हैं। कोई भी रफ तो सरफेस सर एक्सपोज होनी चाहिए, चाहे वो कॉलेजन फाइबर हो वहां पे या ना हो, इट शुड बी डिस्टर्ब्ड। वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होना चाहिए, है ना। वो डैमेज, वो स्ट्रक्चर जब डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है कॉलेजन फाइबर भी होंगे ही। जनरली हर जगह कॉलेजन फाइबर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स में मिलते ही हैं, तो वो एक्सपोज होगा तो रफ सरफेस एक्सपोज होना चाहिए। कॉलेजन फाइबर हो या ना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेजन फाइबर होना ही जरूरी है। रफ सरफेस एक्सपोज होनी चाहिए मतलब वहां पे इंजरी का मतलब कुछ ब्रेक होना चाहिए, कुछ डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, सर, वैसे समझे। देखिए प्लेटलेट्स को एक कैसे पता चलेगा कि वो रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है? प्लेटलेट्स को के पास दिमाग नहीं है, कोई प्लेटलेट्स के पास दिमाग थोड़ी ना होता। कोई भी ब्लड जो है जब भी वो उस तरीके की सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो एक रिएक्शन ट्रिगर होती है, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, वो सब काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उसको पता चल रहा है प्लेटलेट को, वो तो जब भी कोई भी चीज जो, जब भी उसको जैसा वो जिस कंडीशन में वो रहता है, उस कंडीशन से अगर अलग कंडीशन उसको मिलेगी तो वो सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जो क्लॉटिंग के लिए जरूरी है ना। तो कॉलेजन, तो इसलिए कॉलेजन फाइबर का मतलब है कि कोई भी फाइबर्स वगैरह होते हैं तो वो रफ सरफेस, वो एक्सपोज होते हैं तो रफ, ज्यादा रफ बनाते हैं उस सरफेस को, क्योंकि फाइबर्स है ना, तो वो फाइबरस स्ट्रक्चर है, तो वो उस स्ट्रक्चर को ज्यादा रफ और ज्यादा अनइवन बनाते हैं, तो वहां पर प्लेटलेट्स का एक्शन ज्यादा हो जाता है, समझे मेरी बात। सर जैसे कि कोई भी सरफेस अगर रफ होगी और वहां से ब्लड गुजर रहा है अगर बॉडी के अंदर भी, तो वहीं पे एकदम क्लॉट बन जाएगा। बिल्कुल, बॉडी के अंदर क्या, बॉडी के बाहर भी अगर आप रफ जगह पे डालोगे तो होगा, कहीं पर भी ब्लड, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज आर वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ है, वहां पे फ्लो करता है वो। जब भी वो अनइवन सरफेस होगी या कैसी भी होगी, आपने देखा होगा जब भी हमें कहीं इंजरी ऐसे लगती है तो क्लॉटिंग होता है, नहीं होता, इंटरनल क्लॉटिंग हो जाती है, भले ही ब्लड बाहर ना निकले तब भी अंदर ही अंदर क्लॉट हो जाती, नीला नीला पड़ जाता। यस सर, ठीक है, ओके यस चलें। सर, यस सर, ओके बच्चों, बाय बाय, ओके गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द गुड नाइट बेस्ट। सर।